पीडीएफ में से करेंगे, पीडीएफ में से ज़्यादा बेहतर रहता है, ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब होता है। हम किसी भी वेबसाइट पे नहीं जाएंगे क्योंकि उस वेबसाइट पर मतलब बहुत कम चीज़ें लिखी होती है, तो इसी वजह से हम खुद के पीडीएफ ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब भी मैं क्लासेस लेता हूँ तो खुद के पीडीएफ में ही करवाता हूँ, जब पेड क्लासेस होती है सारी चीज़ें तो उसमें। सो बेसिकली हम यहाँ तक तो देख चुके थे कि HTML क्या होता है, स्टैंड अप मार्कअप लैंग्वेज है, वेब पेज बनाने के लिए यूज़ में आता है। और शुरू से इसलिए मैंने करवाया क्योंकि बेसिकली कुछ नए जने भी हैं जिन्हें मतलब अगर आधे से करवाता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम या इस टाइप की कुछ आती, बट जिन्होंने सीख चुके हैं उनका रिवीजन है, और जो नए हैं उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है लर्न करने की। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो HTML, एक मिनट, सो यहाँ तक हमने देख चुका था कि HTML क्या है, एक स्टैंड अप मार्कअप लैंग्वेज है, एंड HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या करता है, बेसिकली स्ट्रक्चर बनाने के काम में आता है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो बेसिकली ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो HTML का पेज होते हैं वो बनाने के लिए यूज़ में आते हैं। और इसमें क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है टैग्स को, बेसिकली टैग्स होते हैं हमारे पे, जैसे पी टैग हो गया, H1 टैग हो गया, H2, फिर उसके बाद मतलब हेडिंग टैग हो गया, ठीक है, टाइटल टैग हो गया। तो ये सारे टैग्स होते हैं हमारे पे HTML के अंदर। उसके अंदर कुछ लेबल पीस भी होते हैं, जैसे पैराग्राफ, हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल्स। आप टेबल भी बना सकते हो, जैसे आपने कई जगह देखा होगा कि आपने प्राइस रेट लिखे रहते हैं वो टेबल के अंदर लिखे होते हैं, तो टेबल भी बना सकते हो टेबल टैग का यूज़ करके। फॉर कुछ एग्जाम्पल्स है कंटेंट को किस तरीके से लिखा जाए यहाँ पे, तो आप पी लगाते हो, एक पी, और फिर उसके बाद जो भी अंदर लिखते हो, इसमें कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि आप किसी भी स्ट्रिंग्स वैल्यू को आप लिखते हो तो उसमें कोटेशन लगाते हो, बट यहाँ पे क्या है कि आप ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कोई ये पूछे आपसे तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये बस बेसिकली स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के काम आता है आपके वेबसाइट को। इसके इनसाइड में आप पी टैग के अंदर आप कुछ भी लिखते हो तो ये कहलाता है एक कंटेंट, और आपके फ्रंट पेज पर शो होता है। फिर उसके बाद एलिमेंट, हाँ जी, मार्कअप बेसिकली मतलब कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। ये बेसिकली बताया ना कि वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के काम आता है, ये मार्कअप को डिफाइन। तो ये स्ट्रक्चर डिफाइन मतलब स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के काम आता है ये कोई जिसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसमें कोई ऐसा कुछ डिज़ाइन मतलब जो अर्थमेटिक होता है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं कर सकते। सो दैट्स द रीज़न हम ये मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, बस डिज़ाइन करने के लिए। तो एक एलिमेंट इंडिविजुअली कंपोनेंट ऑफ HTML, जैसे इसमें एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखने के लिए पी टैग होता है हमारे पे, इमेज लगाने के लिए IMG टैग होता है, हेडर लिखने के लिए H1 टैग होता है, और एलिमेंट के मतलब ये एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे पे ये एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं ये। तो हर एक एलिमेंट या हर एक टैग अलग अलग पर्पस के लिए होता है, हर एक सेक्शंस जो होते हैं इसके वो डिफाइन करता है। अगर आपके पेज में अलग अलग सेक्शंस है, कोई डिव का सेक्शन है, कोई अलग कुछ पैराग्राफ का सेक्शन है, तो वो डिफाइन करते हैं। तो टैग जो होते हैं वो बिगनिंग में लगते हैं किसी भी एलिमेंट के, कुछ ओपन टैग्स होते हैं, कुछ क्लोज टैग्स होते हैं, जो पहले भी प्रीवियस टाइम में भी मैंने बताया। ओपन टैग जो ओपन होंगे, ओपन होते हैं फिर उसके बाद बंद भी हो जाते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से। टैग नेम आया यहाँ पे कोई सा भी टैग, जैसे H1, H2 ये सारे, और यहाँ पे लगाया आपने वो कोई भी कंटेंट, एंड देन उसके बाद टैग। फिर HTML को थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया गया है यहाँ पे कि ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप लेस देन भी कहते हो वहाँ पे जब आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे होते हो। एंड ये पी है, ये कैरेक्टर है, ठीक है, इसके बाद ये राइट एंगल है, ठीक है, जिसे आप ग्रेटर साइन भी कहते हो सी लैंग्वेज के अंदर। फिर उसके बाद ये फॉरवर्ड स्लैश लग जाता है जिसका मतलब होता है क्लोजिंग, क्लोजिंग टैग, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे कुछ बताया गया है कि ये एलिमेंट और कंटेंट, ये पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज़ होता है, ठीक है, स्टैंड अलोन, जो खुद स्टैंड अलोन यानी जो
ओपन टैग होते हैं, कभी क्लोज नहीं होते, उसको स्टैंड अलोन टैग्स भी कहा जाता है। जैसे BR ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, IMG टैग्स, ठीक है, ये बंद नहीं होते, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट्स आते हैं, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे आप उसके अंदर क्लास लगा सकते हो, जब CSS पढ़ेंगे तो हम क्लास के बारे में जानेंगे। क्लास क्या होता है, बेसिकली उसको यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए करता है यूज़, ठीक है, तो वो क्लास होता है। क्लास मल्टीपल हो सकते हैं बट ID यूनिक होती है हमेशा, ठीक है। क्लास ID, इसकी ID भी होती है, वो यूनिक ID हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, किस में करना है, LANG, फिर उसके बाद इंग्लिश, हिंदी। फिर स्टाइल टैग लगाते हो या एट्रीब्यूट लगाते हो, ये इस एट्रीब्यूट में आप डिफाइन कर देते हो कि बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट का साइज़ कौन सा है, फॉन्ट फैमिली कौन सी होनी चाहिए। फिर आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी या सोर्स उसका आप लगा सकते हो, ये दोनों तो एक ही है। सोर्स मतलब SRC, वो उसके अंदर जैसे इमेज में आपने देखा था SRC लगाया आपने, एंड देन उसका पाथ आप पाथ बता देते हो कि आपको किस तरीके का पाथ उसमें रखना है। प्लेस इनसाइड एन ओपनिंग टैग्स बिफोर द राइट एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। तो वही है कि इसमें बताया जाता है कि किस तरीके से आप ओपन टैग्स करते हो बिफोर, फिर राइट एंगल्स ब्रैकेट्स आप लगाते हो, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे इस तरीके से देखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे फिर वैल्यूज़ है, जैसे एट्रीब्यूट होता है उनके वैल्यूज़, ये एक एट्रीब्यूट है और ये इसके वैल्यू है कि पिक्चर, माई पिक्चर और JPG, तो इसमें इमेज आ जाएगी आपकी, इमेज को शो करना है तो IMG टैग का आप यूज़ करते हो। तो वैल्यू असाइन टू गिवन एट्रीब्यूट, वैल्यू मस्ट बी कंटेन इनसाइड द कोटेशन, वैल्यू इसके अंदर रहती है, इसके इनसाइड रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे स्ट्रक्चर हमने पिछली बार भी हमने देखा था कि डॉक टाइप हमारा किस लिए यूज़ होता है, HTML5 को डिनोट करने के लिए, कि अभी हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं HTML5 का। फिर ये एक क्या है, नेस्टेड चल रहा है, ये नेस्टेड मतलब इनसाइड टैग के एक और इनसाइड, ठीक है, HTML, फिर यहाँ HTML, फिर ये बॉडी आ गया, बॉडी के अंदर बॉडी, फिर उसके बाद H1 टैग्स आ गए, H1, फिर पैराग्राफ, ये पैरा, फिर इमेज टैग, ठीक है। उसी तरीके से हेडिंग, हेडिंग के इनसाइड में टाइटल, ठीक है, टाइटल हमेशा वेब पेज का टाइटल शो करता है, हेडिंग हमेशा H1 होता है, ठीक है, पैराग्राफ P, ठीक है। इमेज सोर्स, इमेज जो भी आपका सोर्स है, विजुअल स्टूडियो में करोगे तो डॉट लगा के रूट फॉरवर्ड स्लैश लगा के आप करोगे तो उस पाथ का पाथ तक पहुंच जाओगे और इमेज लगा सकते हो, ठीक है। फिर उसी तरीके से डॉक टाइप होता है, उसके अंदर डॉक टाइप डिक्लेयर करता है कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि आप इसको छोटा बड़ा किसी में भी लिख दो, काम वही करना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं HTML, ये सारी चीज़ें वही हैं जो प्रीवियस टाइम में पढ़ी थी हमने, HTML, हेड, बॉडी, ठीक है। आफ्टर डॉक टाइप लगाने के बाद आप इस चीज़ों को यूज़ करते हो कि HTML आप लगाते हो, HTML टैग उसके बाद, ठीक है, HTML टैग लगाने के बाद फिर हेडिंग लगाते हो, ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी आप लगाना स्टार्ट कर देते हो। और हेडिंग टैग के अंदर ना मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, मेटा का मतलब होता है कि आप डेटा इनसाइड डेटा, आपको पर्टिकुलर बहुत सारे डेटाज आपको देखने हैं, ठीक है, तो ये मेटा इन्फॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारा डेटा इसके अंदर छुपा होता है इस हेडिंग के अंदर। कंट्रोल शिफ्ट आई करते हो आप तो आप देखते हो कि कंप्यूटर के अंदर किसी ब्राउज़र के अंदर आपको बहुत सारे डेटा दिख जाते हैं, मतलब हेडिंग के अंदर, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, या कंट्रोल यू करोगे तो आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। सो मेटा क्या होता है, ये प्रोवाइड करते हैं आपके जो सर्च इंजन्स है, सर्च इंजन होता है हमारे जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, ठीक है, बहुत सारे होते हैं हमारे, बिंग हो गए, ठीक है, ये सर्च इंजन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं कि मेटा जो प्रोवाइड करता है उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो वेब पेज है वो किस बारे में है, ठीक है। सो कंटेन करते हैं एवरीथिंग विजुअल ऑफ द यूज़र, सम एक्सेप्शंस, ठीक है। सो इसमें बताया गया कि पहला जो क्रिएट करते हैं पेज वो किस तरीके से करते हैं, आप एडिटर खोलते हो, ठीक है, आप एडिटर में कोई सा भी एडिटर ले सकते हो, नोटपैड ले सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड ले सकते हो, ठीक है। तो और ऑनलाइन भी कुछ हमारे पे एडिटर्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे रैपलिट्स हो गए हमारे ऑनलाइन, अब आप ऑनलाइन HTML भी लिखोगे, ऑनलाइन HTML कंपाइलर या इस तरीके से कुछ लिखोगे आप तो आपको भी मिल जाएगा, फर्स्ट आपका पेज वही खुल जाएगा, ठीक है, या विजुअल स्टूडियो कोड में करना है विजुअल स्टूडियो कोड में कर सकते हो आप।
आज के टाइम में तो इजी है, आपको कहीं पे भी ब्राउज़र पे रन करना है तो, ब्राउज़र ई एस टी एम एल रन करना है कहीं पे भी तो ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या बनाते हो, माई फर्स्ट पेज बनाते हो, डॉट एस टी एम एल लिखते हो और इस तरीके का ये पूरा सिंटेक्स लिख देते हो तो ये पूरा बन जाता है। और विजुअल स्टूडियो कोड में करना तो बहुत ईजी है, बस शिफ्ट दबा के आप वन दबाओगे देन आप और टैब दबाओगे तो आपको ये पूरा सिंटेक्स बना बनाया मिल जाएगा, बस आपको अंदर कंटेंट लिखना है। नेस्टिंग क्या होता है कि एक एलिमेंट के इनसाइड के अंदर एक और एलिमेंट आपको दिखता है, जैसे बॉडी, बॉडी लिखा आपने, फिर पैराग्राफ लिखा एंड देन उस पैराग्राफ के इनसाइड के अंदर एक और पैराग्राफ आपने लिख दिया, मतलब ठीक है इस तरीके से, तो ये नेस्टिंग कहलाता है हमारा, नेस्टिंग वन अनदर ठीक है, इनसाइड वन अनदर, बॉडी के अंदर फिर ये बॉडी के अंदर पी एंड पी के फिर पी के अंदर ये कंटेंट। हेडिंग होता है हमारा कुछ H1 से H6 तक होता है, हेडिंग वन, हेडिंग टू, और जितना आप लिखते जाते हो उस तरीके से आप उस हेडिंग का फॉर्मेशन आप देखते हुए चले जाते हो। पैराग्राफ कुछ इस तरीके से पैराग्राफ आपको लिखना है, आप वेबसाइटों पे जाते हो तो वहाँ पे पैराग्राफ लिखे होते हैं आप वेबसाइट को सब देखने के लिए कि किस तरीके का वेबसाइट है या उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, उस तरीके से। पोएम लिखते हो, कोई पोएम लिखना है आपको तो पैराग्राफ में आप पोएम को लिख सकते हो, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि जो ब्राउज़र होगा ना वो पैराग्राफ के अंदर क्या करेगा कि वो जो इसकी जो स्पेस है यहाँ की, यहाँ का स्पेस है वो रिमूव करके एक ही लाइन में या एक ही जगह पे इसको कर देगा ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि बी आर टैग का यूज़ करते हैं, ये क्लोज टैग्स होते हैं हमारे जो ब्रेक कर देते हैं लाइन को। सो सिंपल लाइन को ब्रेक करने के बाद ये आपका पोएम प्रॉपर पोएम बन जाएगा ठीक है। और अगर ब्रेक का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप क्या करते हो, प्री फॉर्मेटेड टैग्स का यूज़ करते हो जिसे प्री कहा जाता है। प्री में आप जैसा जिस जैसा लिखोगे इसके इनसाइड के अंदर वैसा ही आपको ये प्रिंट करके दे देगा, सिंपल। इसको कुछ नहीं, आप यहाँ पे डबल स्पेस डाल रहे हो, चार बार स्पेस डाल रहे हो तो क्या होगा कि आपको सिंपल यहाँ पे इतना दे देगा आपको ठीक है स्पेस। फिर उसके बाद कुछ फॉर्मेटेड टेक्स्ट होते हैं हमारे पे, ये चीज़ें नई हैं जो आपने नई सीखी होगी पिछली बार भी। तो फॉर्मेटेड टेक्स्ट कुछ होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दिख रहा होगा आपको, हेयर इज़ अ पैराग्राफ विद द इम्फेसिस टेक्स्ट विज इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ठीक है। तो यहाँ पे ईएम क्या कर रहा है, ईएम थोड़ा सा आप देखोगे इसको तिरछा कर रहा है, इटैलिक फॉर्म के अंदर इसको फॉर्मेशन दे रहा है। तो ईएम टैग्स होते हैं, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो बेसिकली आपके टेक्स्ट के अंदर, पैराग्राफ के अंदर फॉर्मेशन का काम करते हैं ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है आपके पैराग्राफ के अंदर बोल्ड करने का काम करता है ठीक है। स्ट्रॉन्ग किया आपने तो वो चीज़ें बोल्ड हो जाएगी आपकी ठीक है। बी टैग का यूज़ किया ठीक है, तो वो चीज़ें बोल्ड हो जाएगी ठीक है। और मतलब इसी तरीके से बहुत मतलब टैग्स हैं हमारे पे जो यूज़फुल है ठीक है। जैसे बी टैग यहाँ पे करा, आई टैग करा इटैलिक के लिए ठीक है, यू टैग करा अंडरलाइन करने के लिए। तो इस तरीके से हमारे पे बहुत सारे टैग्स हैं जो आप अंडरलाइन कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो उसको ठीक है, ये सारी। और स्ट्राइक करने के लिए भी टैग है, मतलब यहाँ पे लाइन खींचने के लिए वो सारे टैग्स ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है, जैसे देखो मार्क, आप किसी वेबसाइट के अंदर देखते हो कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट होता है वो मार्क हो जाता है ठीक है। तो ये किससे हुआ है, MARK मार्क टैग से ठीक है। मार्क टैग्स किसी किसी टेक्स्ट को आपको बहुत छोटा करना है तो आप क्या करोगे, स्मॉल लिख दोगे ठीक है। यही चीज़ CSS के अंदर भी कर सकते हैं, फॉन्ट साइज लिख के देन उसके बाद स्मॉल लिखोगे देन स्मॉल ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पी करोगे पैराग्राफ, डिलीट करना है किसी टेक्स्ट को तो ये देखो डिलीट वाला, स्ट्राइक वाला, इस तरीके से पैरा आपके पास आ गया। फिर उसके बाद कुछ आई इंसर्ट या इंस करना है ठीक है, तो ये लाइन इस तरीके से इंसर्टेड टेक्स्ट आ गया आपका, सम इंसर्टेड ठीक है। फिर सब सुपर स्क्रिप्ट करना है या सब स्क्रिप्ट करना है ठीक है, तो हेयर इज सुपर स्क्रिप्ट, यानी ये इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर अबव में चला गया, एंड सब स्क्रिप्ट यानी ये थोड़ा सा नीचे चला गया, नीचे डाउनफॉल में, डाउन में ठीक है, तो ये हो गया सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट। फिर उसके बाद होता है कैरेक्टर कोड्स, जो आपको कैरेक्टर्स दिखाते हैं आपको, आपने किसी वेबसाइट पे देखे होंगे कि आपको कुछ कैरेक्टर दिखते हैं, जैसे कि एट द रेट कॉपीराइट, कॉपीराइट आप उसकी वेबसाइट को कभी छेड़ नहीं सकते ठीक है, या उसी जैसा वेबसाइट नहीं बना सकते, कॉपीराइट इशू है ठीक है। और कुछ मैथमेटिकल्स करेंसी या मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, उन चीज़ को आप कैरेक्टर कोड से यूज़ कर सकते हो ठीक है। कैरेक्टर कोड्स उसको कैसे यूज़ किया जाता है, एंड लगा के और उसके बारे में आप लिखते हो, एंड कॉपी, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ठीक है, ये देखो एंड कॉपी इस तरीके से, या एंड हैश 169,
ठीक है, ये हेक्साडेसिमल कोड है, तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर है तो रजिस्टर ट्रेडमार्क के लिए आप एंड REG लगा के रजिस्टर ट्रेडमार्क आप इस तरीके का एक कोड ले सकते हो। ठीक है, ये ट्रेडमार्क के लिए TM लगा सकते हो, लेस देन के लिए एंड LT लगा सकते हो, या एंड #60 लगा सकते हो। ठीक है, बस आपको लगाना है ये, बस आप पैराग्राफ के अंदर भी लगा दोगे, पी 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 टैग के अंदर भी लगा दोगे, देन यू विल बी फाइंड दिस थिंग्स। ठीक है, हाँ, आप ये सिंपल पैराग्राफ के अंदर आप लिख दोगे, जैसे पैराग्राफ लिखा है, देन इसके बाद ये कॉपीराइट का सिंबल एंड COPY कॉपी, देन ये कॉपीराइट बन के आ जाएगा एंड रजिस्टर ये जो। एक बार ट्राई करके देखना, बट ऐसा तो कभी होता नहीं है, बिकॉज़ फिर वो एक टाइम का, क्योंकि यहाँ पे ना एक बेसिकली यहाँ पे इन्होंने खुद का एक उन्होंने दे रखा है हेक्साडेसिमल कोड्स के अंदर और ये सारी चीज़ें। वैसे क्वेश्चन अच्छा है, एक बार ट्राई करना ज़रूर। कि आमतौर पर वैसा होना नहीं चाहिए, बट एंड कॉप मतलब इन्होंने प्रोग्राम दे रखा है कि इस तरीके से बना बना के देखने का। तो आप इस तरीके से सिंबल्स को आप बना सकते हो, HTML पेज एंड यू कैन यूज़ द HTML एंटिटी नेम्स और कोड। ठीक है, और यहाँ पे ना अगर किसी चीज़ को आपको स्पेस देना है तो आप एंड NBSP आप कर सकते हो। ठीक है, आमतौर पर इसके बारे में ना किसी को पता नहीं होता कि स्पेस देना या इस चीज़ें ये सारी चीज़ें, तो आप NSB का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर स्पेसिंग के लिए है ये। बट देखो पी टैग के अंदर आप स्पेस नहीं आता ना, तो वो एंड NSB यूज़ कर सकते हो, बट प्री टैग आप यूज़ नहीं करना चाहते बट आप स्पेस भी लाना चाहते हो, तो एंड और NBSP का यूज़ करना चाहते यूज़ कर करते हो। फिर पी टैग में मैंने यहाँ पे समझाया है, देखो यहाँ पे ये देखो पी टैग में आप यहाँ पे देख रहे थे कि आपने ये सारा ऐसा कुछ लिख दिया, तो ये एक ही लाइन में आ जाता है पी टैग के अंदर। बट यहाँ पे क्या है कि आप BR लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, बट आप क्या चाहते हो कि स्पेस भी चाहिए आपको। ठीक है, तो NBSP करोगे तो यहाँ पे इतना इतना स्पेस आ जाएगा आपके इस पे। ठीक है, तो पी टैग में आप यूज़ करना चाहते हो ये फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरीके से आप देखते हो इसको। फिर यहाँ पे आ जाते हैं लिंक्स वाले सेक्शन पर। HTML लिंक्स कुछ इस तरीके से होते हैं, डिफाइन जैसे ए एंकर टैग्स, वही हमने देखा था ए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि हैरिफ लगाया हमने, एट्रीब्यूट दिखा दी हमने। फिर उसके बाद ना यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आप ये देखोगे, एंड सेल्फ लगा यहाँ पे और एंड ब्लैंक लगा। इसका मतलब होता है कि आप अपने पेज को जो भी आपने जो है यहाँ पे www.google फॉर्म आप जैसे यहाँ पे है, और ये टारगेट ब्लैंक है, इसका मतलब ये पेज ना दूसरी जगह पे खुलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो दूसरी जगह पे ही खुलेगा, दूसरे विंडो में। बट अगर यहाँ पे लगा होता है सेल्फ, तो इसका मतलब ये खुद खुद ही इसी विंडो में खुल जाता। ठीक है, तो ये लिंक है गूगल का, तो ये यहाँ पे एरो भी बन रहा है देखो। ठीक है, ये सारी चीज़ें CSS के अंदर ना ये एरो भी चेंज कर सकते हो आप, ये जो एरे ये हैंड का एरो होता है ना, ये सारा चीज़। और ये जैसे नीला आ रहा है ना यहाँ पे लिखा हुआ, देखो यहाँ पे जैसे ये नीला, इसको करने पे CSS के अंदर ये भी चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, तो CSS में तो बहुत पावरफुल है CSS। फिर इमेज के बारे में कुछ है कि इमेज आर डिफाइन द IMG टैग्स, आप IMG टैग लगाते हो यहाँ पे। ठीक है, उसमें सोर्स देते हो, ऑल्ट टैग लिखते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस चैप्टर में ही कर ली थी कि सोर्स देते हो FSU लोगो डॉट JPG। ठीक है, इस तरीके से JPG में दे सकते हो, PNG के अंदर दे सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। पाथ फ्रॉम द लिंक ऑफ डायरेक्टरी, उसको कहते हैं हम रिलेटिव वाले के अंदर। ठीक है, और एब्सोल्यूट के अंदर कहीं और से आप लिंक दे रहे हो, उस चीज़ को आप एब्सोल्यूट कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल नेम JPG इस तरीके से, तो ये रिलेटिव हो गया, रिलेटिव टैग रिलेटिव पाथ इसको कहते हैं हम। ठीक है, और एब्सोल्यूट पाथ वो होता है जो दूसरी जगह से किसी और सर्वर से हम वो पाथ लेके आ रहे हैं, जैसे ये वाला। ठीक है, ये किसी और सर्वर से आ रहा है। फिर उसके बाद है कुछ लिस्ट, जैसे अनऑर्डर लिस्ट होता है यहाँ पे,
इस तरीके से आपके बुलेट्स के अंदर लिस्ट आ जाएंगी जैसे आप एमएस वर्ड के अंदर करते थे। तो ये अनऑर्डर लिस्ट हो गया और ये ऑर्डर लिस्ट हो गया। ऑर्डर लिस्ट के अंदर परफेक्ट एक दो इस तरीके से आता है। और आप इसको किस तरीके से करते हो, आप यूएल लगाते हो, इतना सिंपल है। एंड देन अब आवाज आ रही है, फिर उसके बाद लिस्ट की बात करते हैं। जैसे लिस्ट आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर इस तरीके का लिस्ट में, या आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हो डे वन डे थ्री, ठीक है, इस तरीके से आपको लिस्ट में दिखाना है, तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ बना सकते हो आप लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपने एल आई करके आइटम्स का लिस्ट बना दिया आपने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, ठीक है, ये ऑर्डर लिस्ट है। इस तरीके से आप यहाँ पे परफेक्टली आप बना सकते हो। तो आपको ये जो आप ये दिख रहे हो ये फ्रंट के अंदर, ये भी आप वेबसाइट के अंदर बना सकते हो, बिकॉज आपको चाहिए इस इवेंट पे ये वाले टैग्स या इस ऐसा लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से भी आप पूरा प्रॉपर आप बना सकते हो। फिर आप देखोगे यहाँ पे टेबल, किस तरीके से टेबल बनाया जाता है यहाँ पे। तो टेबल टैग सिंपल आप टेबल का यूज़ करोगे, टेबल आपका मतलब टेबल फिर उसके बाद वर्ड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ये टेबल रॉ के अंदर पहला हेडिंग आया, दूसरा हेड आया, यानी हेड और हेड, ठीक है। फिर उसके बाद टेबल रॉ, फिर उसके बाद डेटा और डेटा। इस तरीके से आपको यहाँ पे टेबल बन जाएगा। यहाँ पे रॉज एंड कॉलम्स का आपको डिफाइन किया गया है। तो आप अपना बहुत ही अच्छा या परफेक्ट टेबल भी, या एक्सेल का हूबहू भी आप बना सकते हो आप अपने वेबसाइट के अंदर, पूरी प्रॉपर तरीके से बिल्कुल वेबसाइट का मतलब एक एक्सेल का लुक पूरा बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये रहा देखो, इस तरीके से आप प्रॉपर बना सकते हो। बट क्या है कि थोड़ी सा सीएसएस भी इसमें ऐड होगा, ठीक है, बिकॉज ये इतना अचीव करने के लिए आपको सीएसएस आनी चाहिए, ठीक है। सीएसएस आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। देन उसके बाद आप ऐड करते हो उसमें, हाईलाइट ऐड करते हो, रॉज बॉर्डर और ये सारी चीज़ें इनके अंदर ऐड करते हो, ठीक है। सीएसएस के अंदर कमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो आप ऐसे, इस तरीके से लगा के सीधे, या कंट्रोल या मतलब फॉरवर्ड स्लैश भी आप लिखोगे अपने वीएस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो आप ये क्या करते हो, ये प्रॉपर कोड आपका बन जाता है, कमेंट्स बन जाता है। कमेंट्स क्यों ज़रूरी है, बिकॉज आपको तो डेवलपर को दिखते हैं, बट वो जो फ्रंट में यूज़ कर रहा है वो यूज़र, उसको नहीं दिखेंगे। और डेवलपर को इसलिए दिखना चाहिए क्योंकि उसके कलीग्स जो होते हैं वो भी कभी ना कभी कोलैबोरेशन में काम करते हैं, इसीलिए तो कोलैबोरेशन में काम करने के लिए उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो चीज़ें की गई है वो क्यों की गई है, ठीक है। सो दैट्स अ रीज़न हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कमेंट्स इज़ लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये वाला तो ख़त्म हो गया, मैं काम करता हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आया, परफेक्ट। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ तो ये वाले स्क्रीन भी दिख रहा है आपको, परफेक्ट। आई थिंक ये वाला भी अपने स्टाइल्स, थोड़ा सा टाइम है तो इसीलिए पीछे लास्ट टाइम में हमने स्टाइल्स और इसके ऊपर भी कर लिया था, तो थोड़ा बहुत ये भी देख लेते हैं कि इसको कैसे किया जाए चेंजेस या इस टाइप का, ठीक है। तो आप क्या करते हो, सिंपल स्टाइल लिखते हो, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने वो था, वो ब्रीफ हमने देख लिया कि किस, छोटे छोटे काम जो नए स्टूडेंट्स आए थे उन्होंने भी पता कर लिया कि किस तरीके से क्या होता है इसमें, और ये एचटीएमएल किस तरीके से काम हो रहा है इसके अंदर, और जिन्होंने पहले देख रखा था तो उनका तो रिवीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टाइल्स के अंदर किस तरीके से कलर्स डालते हैं आप। सिंपल क्या करना है आपको, कलर लिखना है, एंड कलर लिखोगे आप कलर्स के बाद कोई भी आप
वैल्यू डालते हो तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स होंगे, जैसे आपने टैग नेम डाला, स्टाइल डाला, उस प्रॉपर्टी का नाम एंड देन वैल्यू का नाम, ठीक है। तो जैसे बैकग्राउंड कलर आपको डालना है किसी भी, तो आप बॉडी में जाओगे, बॉडी में जाके स्टाइल लिखोगे, स्टाइल लिखने के बाद बैकग्राउंड कलर लिखोगे, और यहाँ पे आप कुछ भी कलर दे सकते हो। जैसे आप हेक्साडेसिमल दे सकते हो, हैश 3 CCEF ऐसे करके, ठीक है, या RGB कलर दे सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू या इस तरीके से, ठीक है। या आप प्रॉपर कोई नेम दे सकते हो, कोई सा भी, जैसे टमाटो हो गया, पाउडर ब्लू हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देन फिर उसके बाद, हाँ, यहाँ पे भी हो जाएगा। मतलब फॉन्ट फॉन्ट साइज आपको किसी पर्टिकुलर एक पैराग्राफ का करना है ना, है ना। हाँ, तो सिंपल आप क्या करोगे, स्टाइल लिखोगे यहाँ पे, एंड देन फॉन्ट साइज लिखोगे यहाँ पे। तो इसका फॉन्ट साइज आप कितना भी बढ़ा सकते हो, फॉन्ट साइज आप पिक्सल में दे सकते हो, परसेंटेज में दे सकते हो, या EM के अंदर आप दे सकते हो। तो ये जित बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, तो आपके ऊपर है। हाँ, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, सब पे, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं ना बॉडी में, क्योंकि बॉडी एक क्या है कि पूरा 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 जहाँ कंटेंट रख रहा है वो, ठीक है, वो पेरेंट पेरेंट डिव है, यानी पेरेंट है वो, सबसे बड़ा है, सो दैट्स अ रीज़न, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर टेक्स्ट कलर में, टेक्स्ट कलर आपका आ जाएगा, टेक्स्ट कलर में आप सीधे सिंपल लगाओगे स्टाइल, देन उसके बाद कलर लगाओगे, या ग्रीन ब्लू जो भी आपको लिखना है वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली में आप, फॉन्ट फैमिली वर्धना होता है, ठीक है, कुरियर इस तरीके का होता है, फिर उसके बाद टाइम्स रोमन होता है, सैंस सेरिफ होता है, ठीक है, बहुत सारे हमारे पे है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि MS वर्ड के अंदर जाके वहाँ से भी आप किसी पर्टिकुलर फॉन्ट का नेम आप वहाँ से कॉपी करके और वहाँ पेस्ट करोगे, तो कुछ पर्टिकुलर जो फॉन्ट है, जो बहुत पॉपुलर फॉन्ट्स है, वो चल जाते हैं। आपने कभी कभी ट्राई करो तो ये चीज़ें हो जाती है, बट अगर जो फॉन्ट्स इतने पॉपुलर नहीं है, जो बेसिकली MS वर्ड के अंदर ही रिजर्व है, तो कभी कभी वो भी नहीं, वो नहीं चलते हैं। बट जैसे सैंस सेरिफ हो गया, टाइम्स रोमन हो गया, तो ये सारी चीज़ें चल जाती है। टेक्स्ट का साइज़ करना है तो यहाँ पे देखो, H1 लगाया, फिर उसके बाद स्टाइल लिखा, फॉन्ट लिखा, देन 300 जितनी भी आपको परसेंटेज में देनी है, तो ये परसेंटेज बहुत बड़ा हो गया, 300% हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया। ये चीज़ें भी हैं। फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको लेफ्ट या राइट करना है उस डिव, उसको परफेक्ट आपको कहाँ रखना कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करोगे, तो ये अगर इतने एरिया में अगर टेक्स्ट है, तो ये सेंटर में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वो टेक्स्ट, इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अगर टेक्स्ट अलाइन राइट करते हो आप, तो ये इधर चला जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करते हो, तो ये इधर लेफ्ट के इधर चला जाएगा। तो अलाइनमेंट का मतलब है कि आपको टेक्स्ट को रखना कहाँ पे है, लेफ्ट राइट सेंटर या इधर, ठीक है। तो इधर या इधर आप ये यहाँ पे चीज़ें रख सकते हो। टेक्स्ट लाइन लिखने के बाद आप सिंपल आप स्टाइल लिखोगे और टेक्स्ट लाइन लिख दोगे, ठीक है। फिर फॉर्मेशन, वही चीज़ें जो हमने वहाँ पिछली पिछली चैप्टर्स में देखे थे, कि बोल्ड करने के लिए बी टैग आप लगाते हो। ये देखो, जैसे बोल्ड करना है आपको, तो बी टैग आपने लगा दिया, और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को शो करना है, ये भी बोल्ड ही है, तो आपको स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अगर उसको टेढ़ा दिखाना है, तो इटैलिक टैग का, ठीक है। इसमें भी थोड़ा, इफिसिस में भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, झुक जाता है ये, ठीक है। मार्क में आपको वो मार्क हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल में छोटा हो जाता है, डिलीट में स्ट्राइक आ जाएगा उसके पीछे, इंसर्टेड में आपने देखा ही था, वो इंसर्ट के नीचे अंडरलाइन सा आ गया था, ठीक है। फिर सब, तो HTML5 में ना कुछ कुछ टैग्स है जो नए नए टैग्स हैं, वो कुछ यही यही सारे टैग्स हैं जो नए नए टैग्स हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग टैग्स हो गया, और ये इंसर्ट टैग्स हो गया, सब सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी इसके दिए गए हैं कि बोल्ड टैग्स में कैसे बोल्ड हो जाएगा इनके बीच के हिस्सा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग में बेसिकली वो थोड़ा सा और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये नया टैग है बोल्ड, बोल्ड जो था HTML4 के अंदर भी अवेलेबल था, 4.3 के अंदर भी अवेलेबल था, अब स्ट्रॉन्ग जो टैग है वो HTML5 के अंदर नया टैग आया है,
ठीक है, तो दैट्स अ रीज़न हम यहाँ पे बोल्ड के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इटैलिक और ई एम ये वाला टैग भी हमारा क्या है कि जब दोनों एक साथ को हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि एचटीएमएल 4.3 में भी ये था और इसका नया वर्जन आने के बाद भी एक नया टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, तो इस चीज़ का भी यूज़ कर लेते हैं। तो एलिमेंट डिफाइन अ पार्ट टेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वॉइस मोड टू टिपिकली डिस्प्ले द इटैलिक के अंदर आप यूज़ करते हो। ठीक है, वही चीज़ है। टैग्स ऑफ्टन इंडिकेट द टेक्निकली एट्रीब्यूट थ्रू चिप्स। फिर ई एम डिफाइन द इम्फेसिस टैग्स टू कंटेन इनसाइड द टिपिकली डिस्प्ले द इटैलिक। ये भी उसी तरीके से इटैलिक में यूज़ करने के लिए, और ये भी यहाँ इटैलिक के अंदर ही यूज़ करने के लिए। ठीक है, बस वही है कि वर्जन का थोड़ा फ़र्क है, ये चीज़ें हैं। स्मॉल डिफाइन करना है, स्मॉलर टेक्स्ट आपको करना है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, स्मॉल टैग आप लगा सकते हो। मार्क करना है तो सिंपल मार्क करोगे तो ये क्या होगा, ये एक येलो रंग के अंदर आ जाएगा ये लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें। डिलीट करना है तो डिलीट के लिए डी ई एल टैग लगाते हो। एस टी एम एल 4 या 3 के अंदर आप जाओगे तो एक आपको नया टैग मिले, उस वहाँ पे एक पुराना टैग है एस टी आर आई के ई करके, स्ट्राइक करके। स्ट्राइक में क्या होता है, वो यहाँ पे एक लाइन खींची हुई आ जाती है, वो स्ट्राइक हो जाता है ये। ठीक है, मतलब बीच में से कट जाता है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है इंसर्ट एलिमेंट डिफाइन द टेक्स्ट हैंड बी इंसर्टेड इन टू डॉक्यूमेंट। तो इंसर्ट टैग क्या करता है, बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। फिर उसी तरीके से सब सब एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पे आपने H2O एक फार्मूला है H2O, तो ठीक है सब एलिमेंट का यूज़ करते हो आप, तो जो 2 है बेसिकली नीचे चला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे सब के अंदर जो भी इनसाइड में होगा ना वो नीचे चला जाएगा, बस इतना याद रखो। और इसके नीचे, इसके इनसाइड में कुछ भी होगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे www, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 जो है सुपर स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे टैग्स दिए गए हैं, जैसे बी टैग है बोल्ड के लिए, ई एम टैग है एम्फेसिस, ठीक है, इटैलिक टैग है, स्मॉल टैग्स है, स्ट्रॉन्ग टैग्स है, ठीक है, सब टैग्स है, इंसर्ट टैग्स है, डिलीट टैग्स है और मार्क टैग्स है। तो ये सारे टैग्स आपके यूज में आते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आज के लिए तो इतना बहुत है, बिकॉज हमने प्रीवियस PDF को भी कवर कर लिया है, एंड देन यहाँ पे हमने कुट ये यहाँ के इतनी चीज़ों को भी कवर कर लिया है। तो आप लोग को